वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th सब्जेक्ट SST इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस के बाद में हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स को। चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, पार्ट नंबर 2 टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स एंड नेशनल डेवलपमेंट। नाउ वी डिस्कस द इनकम एंड अदर गोल्स एंड नेशनल डेवलपमेंट। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, जो टॉपिक्स है कि इनकम एंड अदर गोल्स और नेशनल डेवलपमेंट। इससे पहले इस डेवलपमेंट वाले चैप्टर में वी हैव लर्न द डिफरेंट पर्सन द डिफरेंट गोल। डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गोल्स होते हैं। हो सकते हैं कि मेरा गोल्स आपका गोल्स नहीं होगा, आपका गोल मेरा गोल्स नहीं होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट गोल थे कि जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखा था डैम्स वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेवल्स है वे डैम्स नहीं चाहते क्योंकि उनको माइग्रेट होना होगा, सफरेज होना होगा, हो सकता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज वाले हैं, जो उद्योगपति हैं, वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैम कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डैम कंस्ट्रक्शन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिलेगी तो चीप होगी, सस्ती होगी। तो देखिए, एक के लिए डैम डिस्ट्रक्शन है तो दूसरे के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इंडस्ट्रीज वालों के लिए तो डैम बहुत जरूरी है तो उनका तो भी डेवलपमेंट है, लेकिन जो ट्रेवल्स है उनके लिए डैम जरूरी है। तो इट मीन्स द डिफरेंट पर्सन द डिफरेंट गोल। हर व्यक्ति का एक गोल नहीं हो सकता, उसको लेकर ही आज हम जैसे अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इनकम एंड अदर गोल्स और नेशनल डेवलपमेंट, तो वन बाय वन करके हम उसको डिस्कशन करते हैं। तो इनकम एंड द अदर गोल्स देखते हैं। गोल्स अदर देन इनकम, जैसे फर्स्ट है कि गोल्स अदर देन इनकम। अब यहां पर इनकम और जो गोल्स है वे दोनों सिमिलर नहीं है, वे दोनों डिफरेंट है। इनकम का, एक व्यक्ति का इनकम का सोर्स अलग अलग हो सकता है तो उसके गोल्स भी उसके अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति के जो गोल्स है वे डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। चाहे अर्निंग का उसका हो सकता है कि अर्निंग का भी उसके डिफरेंट हो सकता है, या अर्निंग का एक स्कोप भी हो सकता है। जैसे एजुकेशन लैंग्वेज सभी टीचर्स हैं, उनका इनकम को सोर्स तो टीचर्स है, एजुकेशन का काम है, लेकिन उनके गोल्स अलग अलग है। कोई चाहता है कि मेरा बहुत अच्छा सा मकान हो, कोई चाह रहा है कि, और कोई ऐसा चाहता कि नहीं मेरे कोई इंडस्ट्रीज हो, कोई चाहता कि मैं रिटायर होने के बाद मैं अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डालू, कोई दूसरे वे में चाहता है कि नहीं मैं अपना कोई बड़ा बहुत अच्छा शोरूम बनाऊ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हुए ना, लेकिन इनकम के सोर्स एक भी हो सकते हैं या डिफरेंस भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो गोल्स है वे गोल्स से कहीं, इनकम से कहीं ज्यादा बड़ा है, लार्ज है। इनकम का छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और मीडियम हो सकता है, लेकिन आदमी का जो गोल्स है, जो एक सोचने की जो पावर है फ्यूचर में कि मैं क्या उसको करने जा रहा हूं, तो बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए इनकम अदर देन गोल, जो गोल्स है ना, गोल्स अदर देन इनकम, जो गोल्स है वे इनकम से कहीं अलग हटकर होता है, उसका अलग ही अपना यूज हो सकता है। अब साथ में भी ये भी देखते हैं कि जो पर्सन कहीं पर भी वर्क कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, चाहे वे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, हर व्यक्ति का अपना एक गोल्स होता है अपने लाइफ के अंदर। जहां पर जॉब कर रहा है तो हाँ कि मेरे को अपने लाइफ में कुछ नया कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ उसको फ्रीडम चाहिए। अगर वहां उसको फ्रीडम नहीं है तो उसके गोल्स अचीवमेंट्स नहीं होता। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, हर व्यक्ति जैसे कहीं भी जॉब कर रहा है तो वहां पर उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको डिग्निटी मिलनी चाहिए, उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, उसके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई हाई डाइजेशन वाले हैं, कोई लो डाइजेशन वाले हैं, तो
तो उसके अंदर इतना डिस्क्रिमिनेशन और ट्रीटमेंट ऐसा हो कि वे ह्यूमन बीइंग एक्सपेक्ट नहीं कर सके, तो इट मीन्स कि ट्रीटमेंट वहां पर इक्वल मिलना चाहिए, चाहे वहां पर छोटे पोस्ट का हो या बड़ी पोस्ट का, उसको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। विदाउट अगर रेस्पेक्ट नहीं है तो ये बात नहीं करेगा। चाहे हो सकता है कि व्यक्ति को जैसे मान लीजिए पर मंथ लाख रुपए मिल रही है लेकिन वह उसको रेस्पेक्ट नहीं है, तो वे सोचेगा कि यार ये पैसे क्या अच्छा नहीं है, कि ये रेस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, अपने फ्रीडम नहीं है स्वयं की। उसका फ्रीडम ही बहुत जरूरी है। फ्रीडम अगर उसको किसी व्यक्ति को मान लीजिए 1,00,000 रुपए दे रहे हैं पर मंथ, 1,00,000 पे कर रहे हैं फॉर पर मंथ, और उसके ऊपर इतना बाउंडेशन है कि हाँ आपको फ्रीडम नहीं है, आप अपने मन से किए रिश्ता छोड़ के जा नहीं सकते, आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, आप आपस में बातचीत नहीं कर सकते, आपस में खाना नहीं खा सकते आप, है ना, इस प्रकार से अगर उसको बाउंडिंग करते हैं तो अभी अपने आप को कह अपनी एक जो पर्सनल लाइफ है, जो इसका एक गोल्स है, उसको अचीव नहीं कर सकता, तो वे व्यक्ति वहां पर वर्क नहीं करेगा। तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, वहां फ्रीडम होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, वहां पर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जहां पर वर्क कर रहा है तो सबसे पहले व्यक्ति चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी हो, उसकी सुरक्षा हो। अगर व्यक्ति कहीं सेफ नहीं है तो भी अपने गोल्स को अचीवमेंट नहीं कर सकता। जिस प्रकार सबसे पहले अगर हम फीमेल को लेते हैं कि जहां अगर कोई फीमेल जो वर्कर्स है या कहीं वर्क कर रही है, अगर वहां फीमेल की सिक्योरिटी नहीं है तो भी वर्क नहीं करेगी। सबसे पहले उसको फीमेल को सिक्योरिटी चाहिए, और वहां पर मेल फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर वहां डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो वे जो फीमेल है वे वहां पर वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, रेस्पेक्ट है फॉर देयर जॉब, जहां पर जॉब कर रहे हैं वहां उसके बिल्कुल क्या मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, पीस, उसको शांति मिलना चाहिए, उसको शांति मिलना चाहिए कि हाँ जहां मैं कर रहा हूं वहां मैं सेटिस्फाई हूं या पीसफुल हूं मैं, अच्छा वर्क है, तब तो व्यक्ति एक लॉन्ग पीरियड तक वर्क कर पाएगा। लेकिन अगर वहां उसको पीसफुल नहीं है, उसको उसका एक रेस्पेक्ट नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तो उसकी एक कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है उस समय, उसकी एक परेशान उस प्रॉब्लम्स तक तो भी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है उसकी सामने कोई समस्या आ रही है, उसको अपने फैमिली को एडजस्टमेंट करके चलना है, तब तो कुछ समय तक कर सकता है। लेकिन जैसे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ और वे वहां से रन आउट हो जाए, तो इसलिए हमको लॉन्ग पीरियड के लिए करने के लिए अपने गोल को अचीवमेंट्स करने के लिए हमें इन चीजों का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। पीस है ना, पॉल्यूशन फ्री एरिया होना चाहिए, इन्वायरमेंट का समझिए, हर व्यक्ति चाहता है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में वर्क करूं मैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति का एक अपना अलग अलग एक गोल्स हुआ, लेकिन उसके साथ में कुछ उसके कुछ राइट्स बनते हैं, उस राइट्स को उसको देख लेते हैं। फिर भी थैंक्स फॉर द डेवलपमेंट्स, पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ द गोल्स एंड द डेवलपमेंट्स गोल्स, लेकिन फिर भी हमें ये देखना मिलता है इंक्लूडिंग बॉल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लास्ट में कह सकते हैं कि हैंस फॉर डेवलपमेंट्स पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स एंड डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, आपकी रेस्पेक्ट है, इक्वल ट्रीटमेंट है, इनके बावजूद भी, इनके होने के बाद में भी जो हमारा एक डेवलपमेंट है वे एक मिक्सचर है, एक मिला हुआ है, यानी सम्मिलित है किससे, इकोनॉमिक से। हैंस फॉर द डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स एंड डेवलपमेंट गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स और उसका मिक्स गोल्स आपस में एक तरह से सम्मिलित है, इंक्लूडिंग किस में सम्मिलित है, इकोनॉमिक डेवलप एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति का अपना जीने का एक अलग तरीका होती है, एक जीवन जीने की एक अलग स्टाइल होती है। कोई व्यक्ति अपने लाइफ में सदा खुश रहकर और सेटिस्फाई रहकर जीने जीता है, और एक व्यक्ति अगर घुटन सी महसूस करकर कि जी तो रहा है लेकिन उस लाइफ से भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ
जो डिमांड्स है वे कहीं बहुत ही हाई लेवल्स की है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर एक व्यक्ति चाहता है कि हाँ मेरे पास बहुत सा धन हो, मैं रिच पर्सन बनूं, मैं उस चक्कर में ही 99 के चक्कर में ही आदमी अपना लाइफ खराब कर रहा है, और एक व्यक्ति अपनी अच्छी कम पैसे में अपनी अच्छी लाइफ सेटलमेंट करके एंजॉय से जी रहा है, तो ये भी एक अपना एक गोल जो है। तो एक मीन्स इकोनॉमिक्स एंड अदर गोल जो है एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल से हर व्यक्ति का एक अपनी अपनी एक ओपिनियन है, ये राय है, या अपना एक लाइफ जीने का एक स्टाइल है कि उस लाइफ को किस प्रकार से जीता है और किस प्रकार से अपने गोल्स को अचीवमेंट्स करता है। तो ये बात उसकी इनकम एंड अदर गोल्स, वी कैन से इट इज द इंडिविजुअल पर्सन ऑफ द गोल, ये एक व्यक्तिगत व्यक्ति का एक गोल्स हो सकता है। लेकिन हम नेशनल डेवलपमेंट से करते हैं तो यहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं है, क्योंकि यहां पर जैसे डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट गोल्स है, तो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग गोल्स है। तो इसी प्रकार से डिफरेंट जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं और सभी का जो गोल्स है, अगर उस गोल को हम कलेक्टिव करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं सभी लोगों का, तो ये हमारा एक नेशनल डेवलपमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? नेशनल डेवलपमेंट। जैसे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट गोल्स होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल्स होता है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग गोल्स होता है। अगर उन सभी गोल्स को हम कलेक्टिव कर देते हैं, एक ग्रुप में कर देते हैं, तो भी हमारा नेशनल डेवलपमेंट बन जाता है। जैसे द इंडिविजुअल सेट डिफरेंट गोल्स एंड देयर मोटिव ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। जैसे कि एक कंट्री में जो लिविंग जो सिटीजन है, डिफरेंट पर्सन का जो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है, और उन डिफरेंट गोल्स को अगर हम उसको एडजस्टिंग कर दें, ऐड कर देते हैं, और हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति का गोल्स न देकर पूरे राष्ट्र का, पूरे देश को हम एक तरह से उठाने का हम प्रयास करते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं कि हमारा देश एक अच्छा एक इकोनॉमिक कंडीशन से स्ट्रांग और वेलफेयर बने, तो हम उसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि इसे बताया कि नेशनल डेवलपमेंट एक व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं होता, वे पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होता है, पूरे देश का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है, ए फार्मर वांट्स इंडिया टू डेवलपमेंट इन ए पर्टिकुलर वे, वेयर ए ट्रेडर वांट्स अनदर वे एंड ए टीचर गेट। जैसे अलग अलग एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक फार्मर वांट्स इंडिया टू द डेवलपमेंट, एक फार्मर से वे इंडिया में अपना एक अलग डेवलपमेंट चाहता है। फार्मर चाहता है कि मुझे चीप फर्टिलाइजर्स मिले, सीड्स मिले, है ना, कुछ मेरे को रिबेट्स मिले, मेरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदने के अंदर मुझको फ्री विदाउट इंटरेस्ट के मुझे लोन मिल जाए, इस प्रकार के अगर उसको फैसिलिटी मिल जाए, तो उसको अपने आप को एक गोल समझता है, ये उसके लिए। लेकिन ये जो है वन द ट्रेडर्स के लिए नहीं हो सकता। एक बिजनेसमैन है, अपना अलग गोल सोचेगा कि मुझे टैक्स फ्री मिले, सस्ती बिजली मिले, मुझे जो ट्रांसपोर्ट है वो फैसिलिटी अच्छी मिले लेकिन बहुत चीप मिले, तो उसका एक अपना गोल हो सकता है। अनादर वे टीचर का अलग गोल हो सकता है कि मैं किस प्रकार से मैं देश का अच्छे नागरिक तैयार करूं, मैं इनको लिटरेट करूं, एक टेक्निकल अच्छी लेके आऊं, जैसे मेरे देश में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़े और मेरे देश को यानी कि ग्रो हो। इस प्रकार से अदर अदर पर्सन का डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है, लेकिन इस सभी को अगर हम एक कर देते हैं, मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो भी नेशनल हमारा एक डेवलपमेंट बन जाता है। अदर वे अंडर द नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी इज द गिवन टू दोज द गोल्स विच बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा गोल, ऐसा हमारा एक अचीवमेंट जो हमारे अधिक से अधिक लोगों के लिए एक वेलफेयर का काम हो, अधिक से अधिक लाख से लाख लोगों के लिए एक ऐसा काम हो कि जो उनका वेलफेयर का काम हो,
उनका उनकी इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत हो, तब हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का गोल, जैसे बताया कि अंडर द नेशनल डेवलपमेंट, कि हमारे नेशनल डेवलपमेंट क्या हो गया, प्रायोरिटी इज किसको प्रायोरिटी देंगे, गिवन टू दोज गोल्स विच बेनिफिट, कैसा कि अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट हो, ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल ऑफ द बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, इसको हम कहेंगे कि वास्तव में ये नेशनल डेवलपमेंट है। तो आज हमने ये देखा इनकम एंड अदर गोल्स और नेशनल डेवलपमेंट, ये आज हमारा मुद्दा। ओके, थैंक यू।